हफ्ता 10 दिन से तोड़ तोड़ के खीरा भी हम खा रहे हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये सब करके और ये सब, ये देखिए यहाँ खीरा, छोटे छोटे खीरा जो है, और ये जो है ये भोल का गाछ लगाए हैं हम, नेनुआ भी बोला जाता है इसको, या मैंने लगभग 8-10 लगाए हैं, अभी सारा का सारा ऊपर जो है चढ़ रहा है। भिंडी भी लगाई हुई है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा 20x20 का यह वेजिटेबल गार्डन दोस्तों इसकी शुरुआत मैंने लगभग 2 महीना पहले किया था, और मैंने सबसे पहले जो फीस बेचते हैं होलसेल में उनसे मैंने ये बॉक्स जो है ख़रीदा, और बॉक्स इस तरह के मैंने लगभग 25 बॉक्स यहाँ पे लगाए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यह बॉक्स ख़रीदा, उसके बाद आपको इस तरह के सीमेंट के बैग लिए, और इस तरह के फल की जो टोकरियाँ आती है फल दुकान से, उसको मैंने ख़रीदा। और इन बॉक्सों में मैंने 50% आपको मिट्टी और 50% जो गोबर का खाद होता है सूखा हुआ, उसको मिक्स करके इसमें भरा मैंने। उसके बाद लगभग आपको 2 महीने बाद, जैसा कि आप देख सकते हैं, रिज़ल्ट आपके सामने है, और बहुत ही मेहनत की है मैंने, ये सारा खुद किया है अपने हाथों से, और रिज़ल्ट भी आपके सामने है। तो मैंने ये टमाटर के पेड़ लगाए हुए हैं, अब टमाटरों में फूल आ चुका है लगभग 1.5 महीना बाद। ये देखिए अब टमाटर शायद निकलने वाले हैं, कई 2-4 छोटे छोटे निकल भी गए हैं कहीं कहीं। और ये मिर्च लगाई थी मैंने 1.5 महीना पहले, ये देखिए मिर्च, सारे मिर्च गाछे में बहुत सुंदर सुंदर मिर्च निकला हुआ है, और लगभग हम 10 दिन से मिर्च तोड़ के खा भी रहे हैं। तो कहने का मतलब है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार अनुभव है मेरा यह, और यह मैंने अपने शौक़ के वजह से किया, और देखा कि अगर खाने को कुछ वेजिटेबल यहाँ से अगर मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि मार्केट में जो है सब्ज़ियाँ नहीं रही है, क्योंकि कीटनाशक डाल के सब्ज़ी का टेस्ट तो ख़राब हो ही गया है, साथ में आपको बहुत तरह की उल्टा बीमारी भी होगी बाज़ार से जो सब्ज़ियाँ मिलती है उनमें, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक मेडिसिन डाला जाता है। इस वजह से मैंने यह प्लान करके, और पिछले 10 दिनों में मैंने बैंगन भी ढेर सारे तोड़े हैं, बैंगन का सब्ज़ी भी खाया हुआ है, ये देखिए अभी भी बैंगन, ढेर सारे बैंगन लगे हुए हैं। और यह देखिए, यह घर की सब्ज़ी का अभी हम आनंद ले रहे हैं, 1.5 महीना के अंदर ही, 2 महीना 1.5 महीना के अंदर ही हमने झीका तोड़ के खाया है, बैंगन तोड़ के खाया है, ये देखिए झीका, यह झीका तोड़ के खाया हुआ है, अभी भी एक है यहाँ पे, यह लाव का है, लाव पर गया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये टमाटर जो है लग चुका है, टमाटर या खीरा भी, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर खीरा हुआ है, खीरा भी हमने हफ्ता 10 दिन से तोड़ तोड़ के खीरा भी हम खा रहे हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये सब करके और ये सब, ये देखिए यहाँ खीरा, छोटे छोटे खीरा जो है,
और ये जो है ये भोल का गाछ लगाए हैं हम, नेनुआ भी बोला जाता है इसको, या मैंने लगभग 8-10 लगाए हैं। अभी सारा का सारा ऊपर जो है चढ़ रहा है। भिंडी भी लगाई हुई है और लाव का भी लगाया हुआ है। लाव का गाछ मोटा मोटी ऊपर उठ चुका है। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही सुंदर एहसास मुझे नया नया मैंने यह स्टार्ट किया है और मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत सक्सेस हुआ हूँ, और आगे मुझे अगर इसमें सफलता मिलती है तो मैं पूरी छत पे, ये जो एरिया है ये पूरी छत पे मैं धीरे धीरे इसको और ज़्यादा करने का प्रयास करूँगा। फ़िलहाल अपने कैपेसिटी के हिसाब से मैंने यह 20x20 में किया हुआ है। ये यहाँ पे मैंने धनिया लगाया है, धनिया मैंने लगाया है यहाँ पे, और कोहड़ा का भी गाछ लगाया हुआ है। ये तो लाव का है, लौका। तो कुल मिला के बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया मुझे। ये सब टमाटर है, देखिए ये छोटे छोटे टमाटर जो है यहाँ पे अभी स्टार्ट हो गए हैं निकलना। ये देखिए आगे भी मैं इसे जारी रखना चाहूँगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। खीरा भी निकल रहा है, ये छोटा सा खीरा अभी स्टार्ट हुआ है, और ये झीका, झीका भी हो गया है मोटा मोटी कल या परसों तोड़ने लायक।